नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार में स्वास्थ्य विभाग हमेशा लोगों के निशाने पर रहता है। लोग कई बार काफी दिक्कतों का सामना करते हैं, क्योंकि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल नहीं होने के कारण लोगों को कई बार दूर जाना पड़ता है अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए। इसीलिए आपको बता दें कि बिहार को एक नई सौगात मिलने वाली है। एक दो नहीं बल्कि 600 से अधिक अस्पताल बनकर इसी साल बिहार में तैयार होने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की व्यवस्था को मजबूत कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है। विभाग द्वारा हर विधानसभा में 5-5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 1-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पूरे राज्य में 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार चिकित्सा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा इस दिशा में निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। पहले चरण में राज्य में 620 अस्पताल भवनों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। इन सभी भवनों का निर्माण इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राज्य ने इलाज की सुविधा को ग्रामीणों के नज़दीक पहुंचाने के लिए नए नए अस्पताल भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके उद्देश्य है कि ग्रामीण को साधारण बीमारियों के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़े, और इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा 38 जिलों में 1185 अस्पताल भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बिहार चिकित्सा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा हर विधानसभा में निर्मित होने वाले 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ 1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर 21.75 करोड़ खर्च किया जाएगा। अब राज्य के शेष 565 अस्पतालों के निर्माण को लेकर जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन मिलने के बाद इन सभी अस्पतालों के निर्माण का कार्य आरंभ हो जाएगा। यानी कि ग्रामीणों को जो भी साधारण बीमारी होती है उसके लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 620 अस्पतालों का निर्माण इसी साल कराया जाएगा। जितने भी लोग हैं अब उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े अपनी बीमारी को लेकर, इसको लेकर 620 अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग हमेशा लोगों के निशाने पर रहता है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं, या फिर कई बार लोगों को अस्पताल जाने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। इसी चीज को दूर करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक नया फैसला, एक नई कदम उठाई गई है, जिसमें आपको बता दें कि ग्रामीणों को अब इलाज की व्यवस्था को मजबूत कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है। विभाग द्वारा हर विधानसभा में 5-5 हेल्थ वेलनेस सेंटर, 1-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पूरे राज्य में 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें।